बोलना रमन सिंह ना, लेकिन हम ही तो बना था ना, यही लगता से देता। अरे हम पैदा करें बाप बचन हम होते, हम चौर वाला बाबा बनते, वो फोकट में बाबा बनते। ऐसे ही है जो है, हम है कुछ न कुछ बोला सही। मैं तो कहूं अभी केवल कहा कृष्ण, एक समय हमें ये नौबत लाना चाहिए यहां, केवल हमला नौकरी शिक्षा नहीं, हमला आरक्षण नहीं चाहिए, बल्कि जनसंख्या के अनुपात में व्यापार में भी आरक्षण चाहिए, ठेकेदारी में भी आरक्षण चाहिए, सप्लाई में भी आरक्षण चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग में भी आरक्षण चाहिए। बताओ तैयार हो ना? बिल्कुल, हमको यही लड़ाई लड़ना है। बिल्कुल तैयार है, हमें यही लड़ाई लड़ना है। जब तक जनसंख्या के अनुपात में एसटी ओबीसी जो जनसंख्या है उसी अनुपात में व्यापार भी करेगा, उसी अनुपात में ठेकेदारी भी करेगा, उसी अनुपात में आपको सप्लाई भी कर रहे हैं, उसी अनुपात में ट्रांसपोर्टिंग है। जितने जो गाड़ी दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सरदार मनकर भागी मनकर आपके गाड़ी है, ये जितने बड़े बड़े बंगला और बिल्डिंग दिखते तो मैं ये मन सब छोड़ के भगा जाए, क्योंकि मन खेत में काम नहीं कर सके, उनका माइंड लोगन वाला खेत में नहीं भेज सके धान काटे ला निंदाए ला, तो क्या करें। ये दिन व्यापार भी हमारे हाथ में आ जाए जनसंख्या के अनुपात में, काबर जब तक है कि जब पैसा आते तब दिमाग बढ़ते, दिमाग का यदि हम जब तक हम किसानी करबो तो हम आगे नहीं बढ़े, नौकरी करबो तो आगे नहीं बढ़े, नौकरी में कतिक पैसा अनुभूत रखिए, लेकिन हम सब तरफ हमने जब करबो, जब आर्थिक रूप से भी हम संपन्न हो जाबो, जब एस टाइट में भी हमला हो जे एस तीन हो जाए। और आज कहा था ना संजय अग्रवाल का जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर है, मैं कहता हूं कि जे दिन समान शिक्षा की बात जब यहां देश में लागू है तो यहां भी समान शिक्षा होना चाहिए। जितने भी पब्लिक स्कूल है खत्म करो, सरकारी स्कूल चालू खत्म। ये बता, ये देखो ये प्राइवेट स्कूल जितने पब्लिक स्कूल कहां करे, हमारे छत्तीसगढ़िया कहां करे है नो है इंक्रीमेंट के, इसलिए ये जो दिन खत्म हो जाए मैं कहता हूं वो दिन शिक्षा की स्तर भी अच्छा हो जाए। आज जतिक भी प्राइवेट स्कूल में कौन पढ़ाते, जे मन के शासकीय स्कूल में सिलेक्शन नहीं होते प्राइवेट स्कूल में जाते, और जिकर मन के प्राइवेट सरकारी स्कूल में सिलेक्शन हो जाते वो मास्टर मन प्राइवेट स्कूल में होकर ले चलते, जिकर सिलेक्शन गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होते वोकरे यहां पढ़ाई ला कलेक्टर और एसपी घर भेजते। लेकिन जे दिन पब्लिक स्कूल बंद हो जाए प्राइवेट स्कूल खुली, वो दिन पढ़ाई के स्तर भी ठीक हो जाए, वहां की व्यवस्था भी ठीक हो जाए। जे दिन कलेक्टर और एसपी के लड़का भी सरकारी स्कूल में पढ़ी ना, वो दिन कहीं हाँ पापा जी गर्मी लगाते स्कूल, वो दिन वहां कूलर भी लगी, एसी भी लगी, पीए के पानी पर फिल्टर भी लगी और बैठे पर बेंच भी आई, वो दिन नीच बैठी काट कर ये व्यवस्था हमने लाए अपन बोल रही कौन रही हम लाभो, हम छत्तीसगढ़िया लाभो, काबर छत्तीसगढ़िया ही दर्द होना चाहिए छत्तीसगढ़ के प्रति, हम ही लाभो। बाहरी मन तो लूटे रहा है वो समय अंग्रेज मन लूटे रहे, अभी परदेशिया मन लूटा, अब कई ढंग अमन कर रहा नहीं करें। अभी भी मैं बता दू केला कहो कि जेकर हमारे बूढ़ा देव के कसम खा दो खवा दो सबके, मैं हाथ गिड़गिड़ाए नहीं मोड़ टिकट दो एक बार नहीं कर देना ही तो दे यार मंदिर कई हम तीन चल 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 दिल्ली तक जा रहे छोड़ना यार का हो गए बहुत कटा रही चार चार बार बन गई आपको समाज के लिए भी करना बैठन हमन वैसे में पार्टी से बात की पार्टी भी बनाए वो पार्टी में सरदार मन घराते हैं उठाई की हम तो समझित नहीं ये केवल छत्तीसगढ़ यहाँ की सिंधी मन घराते कुटाई जी समझ नहीं ये केवल छत्तीसगढ़ यहाँ तुम नीचे में बैठो तुम सदस्य भी नहीं बनाना बोलो कई घर मन बोली अरे भैया हमन साथ में मिले नहीं साथ में तो मिल सकते लेकिन परदेशी मन तोर से हम जब तक रही तब तक मैं तो साथ नहीं मिल सकता और लड़ाई परदेशी मन से छत्तीसगढ़ हम तो साफ आना तो आप छत्तीसगढ़िया वर्सेस परदेशिया के प्रदेश में लड़ाई लड़ना है और परदेशिया मन से छत्तीसगढ़ आजाद दिलाना है तब हमला न्याय मिली एक रूप भी हमला आज सांस सांस लड़ना पड़ी तभी हमारे मन की भलाई होगी हमारे मन की कुछ इज्जत है बाची यही निवेदन करेला और आज इस समय पे आए हम आप मन
निश्चित रूप से जो भी आज ऐसे नहीं है, मैं तुम्हें कम आया हो कि हो तो तुम्हारा ताकत ला मैं कम यहाँ कर मालूम है या जति जन आए हो सब लीडर हो और हर लीडर के पास कम से कम 10,000 लोग के क्षमता होते और 10,000 के हिसाब से हो जाए तो पूरा है या लेकिन हमला इकर से डरना नहीं है दबना नहीं है। आले के मन बताते हैं कई बार मोड़ा कहते हैं थोड़े जी आप कानून को आप हाथ में ले रहे हो, मैं कहता हूँ यार ऐसे कि हाँ बड़े बड़े ये परदेशिया मन अपन हाथ में कानून लेते हैं, क्या कानून हमारे छत्तीसगढ़िया मन पर बने हैं का है? कानून अपन हाथ में मत लो तो तुम्हारे का धरे तो हाथ में धरे हो और वो बन जाने ना कोई थाना के अंदर पिटते तो डंडा तो कानून का है मतलब तुमन कहता हूँ हमन मार हमन कुछ करता तो बोले कानून ला हाथ में मत लो और तुम्हारे हाथ में कानून दे दे तुम्हारे कहा करे तुम्हारे बीच में बंजारे ला बड़ौदा बाजार में मानी थी अंदर मान है ना पुलिस थाना के अंदर कहा देखा तुम कहा करी तू करता केवल छत्तीसगढ़ हमारे खा था डंडा ये पावर मत लो तो कम से कम एकरों से बचो छत्तीसगढ़ मैं तो उस दिन बोले रहा अब देखा तुम्हारे आदेश के पालन करा तो वो कम से कम हम सुधार करो 2018 परदेशियों के नहीं होगा बल्कि छत्तीसगढ़ियों का होगा। विभाजन के साथ आपका जैसा भी है कोई भी जहां अन्याय होते निष्पक्ष रूप से कोई तो भी हो क्योंकि वो ज्यादा दिन के मेहमान नहीं एक साल के मेहमान है डरने की बात नहीं है छत्तीसगढ़िया तो साथ है और तुरंत बन के अगर वहां भी अन्याय हुई तो वहां लड़ी पुलिस के साथ अन्याय हुई पुलिस के साथ लड़ी जहां जल्दी हुई है चाहे हमारे हो चाहे हमारे जो वर्ग के जो आरक्षित वर्ग के हैं उनका साथ अन्याय हुई और अन्याय के लिए ये पूरे एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी एक साथ हर जगह लड़ने का तैयार हो रही और निश्चित रूप से ये बात पे आप मंडा बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये पूरा आपके बिलासपुर वाला मना कम से कम न्यायधानी में न्याय पाए के प्रयास करो और यहाँ न्यायधानी में भी न्याय नहीं मिले तो आपके बार आवेदन नहीं धनार्दन आवेदन नहीं धनार्दन आवेदन आवेदन निवेदन अब धनार्दन के ही बारी रही अब सीधा उसी हिसाब दिया आपके बारे में अपन हथियार लेकर आप देख सर कति घर पुलिस वाला मन डंडा और पाए लेके जाते सदा बाकी जगह तो करते क्या कुटा ही करते कभी देखा था वहां पर कहा करते हैं ये उत्तर प्रदेश में पुलिस वाला मन तो कुटा ही करते सोचने हैं केवल पढ़ी ही मार भी ही मार वो कहने का मतलब है अब कुटाई करना ये धनादम और आखिरी करवा तो बदले हो जाते भाषण दे तो ये स्थिति करना है तो उसी तैयारी के साथ अगले बार आओ बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई धन्यवाद आदरणीय।